खुदाए रहीम और बुजुर्ग के बाबरकत तरीन नाम में मैं इवेंजलिस्ट दानिश पीटर आप तमाम बहन भाइयों को और मेरे हम वतन पाकिस्तानी बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। मेरी अजीज़ बहन भाई बुजुर्गों और दोस्तों, ये खूबसूरत मुल्क खुदावन ने हमें दिया है। हम इस मुल्क के सिर्फ वासी नहीं हैं, बल्कि मेरा ये ईमान है खुदा के कलाम के मुताबिक कि खुदा ने हमें अपने नेक इरादे और अपने नेक मंसूबे के तहत इस मुल्क के अंदर रखा है। हम इस मुल्क के लिए बरकत का वसीला हैं। वो चाहे किसी भी अकीदे या किसी भी मर्तबा फ़िक्र से हों, लोगों के लिए एक घर होना ये एक बड़ी बरकत की बात है। अगर हमारे पास अपना घर है जिसे हम अपना कहकर पुकार सकते हैं, इट्स सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग। 1947 के अंदर जब पाकिस्तान वजूद में आया, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कई सारों को जो किसी वतन के वासी नहीं थे या फिर अपने आप को गैर वतनी समझते थे, उन्हें एक वतन मिल गया, उन्हें एक घर मिल गया। और इस साल हमारे टेलीविज़न का स्लोगन भी है अपना घर पाकिस्तान, और इस घर से हम मोहब्बत करते हैं। हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हम इस मुल्क के हैं, हम इस घर से वाबस्ता हैं। और आपको ये बात पता ही है कि आप कहीं पर भी चले जाएं, आपके घर का नाम आपके साथ जाता है। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं। ये हमारी आन है, बान है, शान है, और हम इसके हैं। ये हमारा है, अपना घर पाकिस्तान है। सो मैं इस जश्न आज़ादी के मौके पे पाकिस्तान की आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इसकी देता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस मुल्क को अपने खुशियों का गहवारा बना दे, खुदा की तरफ से इस मुल्क पर खुशियाँ आएँ। मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें हैं, हम में से कई सारे इस मुल्क की काबीना को लेकर, इसकी अदलिया को लेकर, इसकी इंसाफ को लेकर, इसमें मुख्तलिफ तौर पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई सारे दुखी हैं, परेशान हैं, कई सारे खुश हैं, कई सारे कहते हैं कि बस चलने दे जैसा चलता है। लेकिन जो भी है, वी लव इट, और जब तक आप इससे मोहब्बत नहीं करेंगे आप इसको तरक्की करते हुए नहीं देखेंगे। सो आइए अपने मुल्क से इस साल दिल खोल कर मोहब्बत का इजहार करें और खुशियाँ मनाएँ कि आपको अपना घर मिल गया है, अपना घर पाकिस्तान। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।